तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त गेम डेफी। दोस्तों यार, आज खेलेंगे WWE गेम। और यार, इसमें हम लोग करेंगे 10-man रॉयल रंबल मैच यार, जिसमें काफी मजा आएगा। दोस्तों यार, इसमें जॉन सीना, बिग शो, केन और यार बहुत सारे रेसलर हैं। दोस्तों बहुत मजा आएगा। और मुझे नहीं पता यार इसमें कौन जीतेगा। और इसमें मैंने जॉन सीना को ले लिया है। अब बस थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होने वाला है यार। आप देख सकते हो यार, ये कौन आ गया। दोस्तों यार, ये कौन है। ओए तेरी की यार, ये तो अंडरटेकर है। ओए यार दोस्तों यार, ये कैसे हो गया। दोस्तों यार बहुत मजा आएगी। अंडरटेकर यार बहुत डेंजर है। अगर वो इस रॉयल रंबल में आ गया है तो जीत तो इसी की होगी। दोस्तों यार, आप देख सकते हो यार, ये कितने गुस्से में है। ओए भाई, मुझे काफी डर लग रहा है यार। दोस्तों आप इसे देखो पहले यार, भाई बहुत डेंजर है ये। और मुझे पता है जीत अंडरटेकर की होगी। ओए दोस्तों यार, ये कौन आ गया। ओए भाई यार, ये कौन है। दोस्तों यार, ये तो बहुत अच्छे से नाच रहा है। ओए ये कौन है यार, ये तो आर ट्रूथ है। और दोस्तों यहाँ अपना मैच स्टार्ट हो गया, और अंडरटेकर और आर ट्रूथ की फाइट स्टार्ट हो गई है। और यहाँ टाइमिंग भी शुरू हो गई यार। 5, 4, 3, 2, 1, अब कौन आएगा। और ये अंडरटेकर से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। और ये दोस्तों अपने तीसरे नंबर पे रैंडी ऑर्टन आ गया यार। भाई यार, ये भी बहुत डेंजर है। ओए आर ट्रूथ भाई, चले जाओ यहाँ से, अंडरटेकर के हाथों से तुम नहीं बच पाओगे। और दोस्तों ये अंडरटेकर ने इसे बाहर फेंक दिया रिंग के। ओए बहुत बढ़िया। और दोस्तों ये रैंडी ऑर्टन पूरी स्पीड में भागते हुए आ रहा है। ओए रैंडी ऑर्टन भाई, चले जाओ, ये अंडरटेकर है, इसे हराना काफी मुश्किल है। दोस्तों यार बस पता नहीं कौन जीतेगा। रैंडी ऑर्टन भाई बहुत बढ़िया खेल रहे हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें जॉन सीना को लिया है। पता नहीं वो कौन से नंबर पे आएगा। और ये क्या यार, सीएम पंक आ चुका है। दोस्तों यार, ये सीएम पंक बहुत पुराना है यार। दोस्तों यार बहुत मजा आ रही है, पुरानी यादें ताजा हो गई। और बहुत बढ़िया। और दोस्तों ये अंडरटेकर कोशिश कर रहा है रैंडी ऑर्टन को रिंग के बाहर फेंकने की। पता नहीं ये रिंग के बाहर फेंक पाएगा कि नहीं। और दोस्तों कोशिश तो जारी है, लेकिन अभी पता नहीं चल पा रहा है ये रिंग के बाहर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। ओए ये क्या यार, रिंग के बाहर फेंक दिया रैंडी ऑर्टन को। दोस्तों सीएम पंक भी आ रहा है। ओए सीएम पंक भाई, चले जाओ यार, तुम्हारे सामने अंडरटेकर खड़ा है, तुम इसे रिंग के बाहर नहीं फेंक पाओगे, उल्टा ये तुम्हें रिंग के बाहर फेंक देगा। और दोस्तों ये सीएम पंक अपनी ताकत दिखा रहा है इसे, और बहुत बढ़िया लाते मार रहा है। और लेकिन अंडरटेकर को आ गई गुस्सा। ओ ये कौन आ गया यार। दोस्तों यार मार्क हेनरी आ चुका है यार, ये मोटा बहुत डेंजर है। दोस्तों यार आप देख सकते हो यार, यार अब मैं क्या बताऊं, अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये सीएम पंक कोशिश कर रहा है अंडरटेकर को बाहर फेंकने की। सीएम पंक यार क्या कर रहे हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ओ तेरी की यार, ये क्या यार, अंडरटेकर को रिंग के बाहर फेंक दिया इसने। लेकिन सीएम पंक खुश होने की बात अभी नहीं है, क्योंकि अभी मार्क हेनरी आ रहा है, वो तुम्हें रिंग के बाहर फेंक देगा। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो जॉन सीना का इंतजार है, वो कब रिंग के अंदर आएगा और तुम सबको हरा देगा। और दोस्तों ये मार्क हेनरी आ चुका है, बहुत बढ़िया मार्क हेनरी। ओए ये कूदा, ओए बहुत बढ़िया। और दोस्तों अब ये कौन आ गया, और ये बिग शो आ गया यार। और दोस्तों यार अब तो मुझे काफी मजा आ रहा है। अगर बिग शो रिंग के अंदर आएगा और सबको एक एक करके रिंग के बाहर फेंक देगा, और मुझे काफी बढ़िया लगेगा। और लेकिन यार जॉन सीना कब आएगा। और ये सीएम पंक को यार मार्क हेनरी बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं रिंग के बाहर फेंक पाएगा कि नहीं। और दोस्तों यार मुझे तो लग रहा है ये इसे रिंग के बाहर फेंक देगा, और ये पूरी ताकत लगा दी। और दोस्तों इसी के साथ सीएम पंक रिंग के बाहर जा चुका है यार।
अब बिक्षु आ चुका रिंग के अंदर और ये मार्क हेनरी पता नहीं से हरा पाएगा कि नहीं। और ये बिक्षु ने आते आते मुक्के देने शुरू कर दिए। ओए बिक्षु भाई बहुत बढ़िया, ओए मारी मुंह पे लात, बहुत बढ़िया मजा आ गई। और दोस्तों ये सातवें नंबर पे अपना द मेज आ चुका है। ये द मेज ताकतवर तो नहीं है लेकिन चालाक बहुत है, इससे बच के रहना पड़ेगा क्योंकि मौका बाकी, ये किसी को भी रिंग के बाहर फेंक देगा। और ये विक्षो पूरी ताकत लगा रहा है, ओए विक्षो भाई पूरी ताकत लगा दो और इसे रिंग के बाहर फेंक दो, बहुत बढ़िया विक्षो। और दोस्तों अब द मेज भी आ रहा है रिंग के अंदर, लेकिन दोस्तों यार मुझे लग रहा है द मेज विक्षो के सामने नहीं टिक पाएगा। ओए द मेज भाई चले जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम विक्षो को रिंग के बाहर फेंक दो। और दोस्तों विक्षो ने यार तुरंत हमला शुरू कर दिया। ओए भाई ये तो इसे खिलौने की तरह उठा रहा है। ओए मारी मुंह पे लात भाई, यार मुझे तो तरस आ रहा है इस पे। और ये रे मिस्टेरियो भी आ चुका है, लेकिन जब तक रे मिस्टेरियो आएगा तब तक ही द मेज का बैन बच जाएगा। और विक्षो तो इसे खिलौने की तरह फेंक रहा है। ओए ये उठाया, ओए भाई द मेज की तो हालत खराब कर दी, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। ओए ये चौक स्लैम दे दिया इसे। ओए रे मिस्टेरियो यार क्या कर रहा है भाई। दोस्तों यार ये भी द मेज को मार रहा है। ओए भाई विक्षो को मारो तुम दोनों लोग मिलके। यार यहाँ क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। और दोस्तों ये क्या यार, द केन भी आ चुका है। ओए भाई केन आ गया रिंग के अंदर, अब तो मैं क्या बोलूं, मेरे अंदर मुंह में शब्द ही नहीं है, अब ये केन इसे नहीं छोड़ेगा। दोस्तों यार पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है विक्षो यार, भाई क्या बोलूं यार, मुंह में शब्द ही नहीं आ रहे मेरे। और दोस्तों ये दसवें नंबर पे अपना जॉन सीना आ गया यार, अब आएगी मजा, अब इन लोगों को पता चलेगा इन लोगों ने किससे बंगा लिया है। और ये जॉन सीना पूरी फुल स्पीड में आ रहा है। और जॉन सीना भाई कुश्ती ग्रेट हो। और दोस्तों ये जॉन सीना यहाँ रुक क्यों गया, और द मेज तो बाहर जा चुका है। ओए जॉन सीना भाई क्या कर रहा है यार, रिंग के अंदर आओ। और समय का इंतजार खत्म हुआ और जॉन सीना रिंग के अंदर आ चुका है। और यहाँ पे केन, जॉन सीना, बिक्षो और रे मिस्टेरियो, अब इन चारों के बीच फाइट हो रही है। अब मुझे ये नहीं पता कौन किसको रिंग के बाहर फेंकेगा। और दोस्तों लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, रे मिस्टेरियो और काफ़ी बढ़िया खेल रहा है। और ये केन कोशिश कर रहा है बिक्षो को रिंग के बाहर फेंकने की। और इधर रे मिस्टेरियो जॉन सीना की फाइट हो रही है, सब लोग आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। और ये नहीं पता कौन किसको रिंग के बाहर फेंकेगा। और इधर बिक्षो यार, ओए केन भाई बहुत बढ़िया, मेरी मदद करने के लिए आपको शुक्रिया। और ये जॉन सीना बहुत बढ़िया खेल रहा है, मुझे तो उम्मीद है जॉन सीना जीतेगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि कब कौन जीत जाए। और इधर बिक्षो जॉन सीना आपस में मुक्केबाजी करते हुए। और ये क्या यार, बिक्षो ने बहुत बढ़िया लात मारी। और दोस्तों ये बिक्षो क्या कर रहा है, बिक्षो भाई ऐसे मत करो, जॉन सीना के हाथ मत तोड़ देना तुम। और दोस्तों यार ये तो जॉन सीना की हालत खराब कर रहा है। और इधर रे मिस्टेरियो केन को रिंग के बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। ओए रे मिस्टेरियो भाई बहुत बढ़िया, ओए ये मारी मुंह पे लात। और इसी के साथ दोस्तों केन रिंग के बाहर जा चुका है। अब यहाँ पे जॉन सीना, विक्षो और रे मिस्टेरियो बाकी हैं। और यार बहुत मजा आ रहा है, अब बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन होगा रॉयल रंबल का विनर। और दोस्तों बस यहाँ पे थोड़ी देर में पता चलने वाला है कि अब कौन जीतेगा यार, क्योंकि तीन रेसलर रिंग के अंदर अभी बाकी हैं। और ये रे मिस्टेरियो कोशिश कर रहा है जॉन सीना को रिंग के बाहर फेंकने की, लेकिन इसे ये नहीं पता पहले विक्षो को बाहर फेंके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विक्षो यार बहुत डेंजर है। और ये क्या मुंह पे मुक्का मारा यार, ओए भाई ये तो जॉन सीना को रिंग के बाहर फेंक देगा। और ये अपनी पूरी ताकत लगा रहा है ये, ओए जॉन सीना भाई क्या बोलूं यार, ओए जॉन सीना यार मत जाओ रिंग के बाहर। ओए रे मिस्टेरियो अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तूने मुझे दिला दी गुस्सा।
अब दोस्तों ये ले, ओए मेरा फिनिशर आ गया। और दोस्तों ये उठाया और इस छोटे आदमी को पटक दिया यार। दोस्तों यार इसने मुझे काफ़ी गुस्सा दिला रखा है, क्योंकि यार ये मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गया था। और इधर बेक्शो यार, ये तो पूरे मजे ले रहा है। और इधर बेक्शो और जॉन सीना की फाइट फिर स्टार्ट हो गई है। और जॉन सीना भाई बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, अगर ऐसे खेलेगा तो जरूर जीतेगा। और दोस्तों ये रेमिस्टेरियो को मजा चकाना पड़ेगा, ये भी कुछ ज़्यादा ही बन रहा था। ओए नहीं, ओए बच गया यार। और दोस्तों ये क्या यार, मुझे लग रहा है रेमिस्टेरियो रिंग के बाहर चला जाएगा। और दोस्तों ये क्या यार, बेक्शो ने बहुत बुरी लात मारी मेरे, ओए भाई गर्दन तोड़ दी यार। यार ये बेक्शो बहुत डेंजर है, इसे मुझे रिंग के बाहर फेंकना पड़ेगा। अब दोस्तों यार मुझे लग रहा है अपना फिनिशर पहले से दे देता हूँ, लेकिन यार और ये ले। और दोस्तों ये बेक्शो को भी मैंने अपना फिनिशर दे दिया, और ये उठाया और ये भटका, बहुत बढ़िया जॉन सीना, अब मुझे लग रहा है तुम जीत जाओगे। और इधर रे मिस्टेरियो की भी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अब दोस्तों यार समय आ गया है इस रे मिस्टेरियो को रिंग के बाहर फेंकने का, और ये मैंने रे मिस्टेरियो को रिंग के बाहर फेंक दिया। अब यहाँ पे बेक्शो और जॉन सीना रेसलमेनिया को देखते हुए, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं। और दोस्तों बेक्शो तो यार बहुत बढ़िया खेल रहा है, और मुझे भी काफ़ी बढ़िया तरीके से खेलना होगा। और ये आप देख सकते हो, जॉन सीना पूरी ताकत लगा देगा इस बेक्शो को रिंग के बाहर फेंकने के लिए। और ये इसका हाथ मोड़ा, और बहुत बढ़िया। और दोस्तों बस हम लोग को पता चलने वाला है कि बेक्शो होगा कि जॉन सीना इस रॉयल रंबल का विनर। और दोस्तों यहाँ जॉन सीना ने बेक्शो को उठा लिया और फिर से अपना फिनिशर दे दिया, बहुत बढ़िया। अब जॉन सीना एक काम करो, इस बेक्शो को रिंग के बाहर फेंक दो। अब दोस्तों यार मुझे लग रहा है कि जॉन सीना भी इसे नहीं छोड़ेगा, अब वो बहुत जल्दी इसे रिंग के बाहर फेंकने वाला है। ओए बहुत बढ़िया। और दोस्तों ये जॉन सीना बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहा है, अब मुझे लग रहा है वो इसे रिंग के बाहर फेंक देगा। ओए बेक्शो भाई चला जा यार। और दोस्तों बस थोड़ी देर और, अब मुझे लग रहा है ये बस रिंग के बाहर जाने वाला है। और दोस्तों ये क्या यार, जॉन सीना बन गया रॉयल रंबल का विनर। और दोस्तों यार काफ़ी खुशी हो रही है, आप देख सकते हो इस 10 मैन रॉयल रंबल का विनर जॉन सीना। ओए बहुत बढ़िया। और दोस्तों यार आपको ये रॉयल रंबल मैच अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब वाले बटन को फोड़ देना। तो दोस्तों यार फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।